सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीडियो के प्रेडिक्शन। गाइस कैसे हो आप सब, उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान सुपर लीग 2023 के 2017-20 मैच के बारे में। दोस्तों मैच होने वाला है पेशावर जालमी और मुल्तान सुल्तान के बीच में। दोस्तों अगर मैच की पूरी अपडेट चाहिए तो वीडियो को लास्ट तक बने रहें, और आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करते चले ताकि हर वीडियो की जानकारी आपको पूरी मिलते रहे। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले हमारे स्क्रीन पे हमारा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं जिससे आपको टॉस मैच सेशन की जानकारी आपको दी जाएगी। तो अब आगे बढ़ते हैं, चलते हैं मैच की ओर। यह मैच होने वाला है 10 मार्च को इंडिया टाइम के अकॉर्डिंग शाम के 7:30 पर यह मैच स्टार्ट होगी। यह मैच खेली जाएगी रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम रावलपिंडी पाकिस्तान में। अब बात करते हैं फिर दोनों टीमों का टीम फॉर्म चेक करते हैं लास्ट 5 मैच में क्या क्या हुआ। तो अगर रिसेंटली अगर दोनों टीमों की बात करें तो यहाँ पे पहली टीम पे पेशावर जालमी देखे तो जहाँ 5 मैच में से 3 मैच हार के आ रही है तो वहीं 2 मैच जीत के आ रही है। वहीं दूसरी टीम मुल्तान सुल्तान की बात करें तो मुल्तान सुल्तान का भी सेम पोजीशन चल रहा है, 5 मैच में से 3 मैच हार के आ रही है, 2 मैच जीत के आ रही है। तो ये नहीं दोनों टीमों का टीम फॉर्म। वहीं अगर बात करें दोनों टीमों का हेड टू हेड चेक करें लास्ट 10 मैचेज में तो जहाँ पे पेशावर जालमी 4 मैच जीत के आ रही है तो वहीं मुल्तान सुल्तान 6 मैच जीत के आ रही है। अगर इसके अकॉर्डिंग बात करें हेड टू हेड के अकॉर्डिंग तो यहाँ पे मुल्तान सुल्तान 2 मैच से आगे चल रही है। पढ़ते हैं फ्रेंड, ज्यादा देर ना करते हुए दोनों टीमों का टीम कंपेरिजन करते हैं लास्ट 10 मैचेस में क्या क्या एक्सपेक्टेशन देखने को मिल सकते हैं। तो पहली कंपेरिजन विनिंग परसेंटेज की बात करें जहाँ पे पेशावर जालमी का 50% देखने को मिल रहा है तो मुल्तान सुल्तान का भी 50% देखने को मिल रहा है। एवरेज स्कोर की बात करें तो पेशावर जालमी का 183 है तो मुल्तान सुल्तान का 164 है। हाईएस्ट स्कोर की बात करें तो पेशावर जालमी का 240 है तो मुल्तान सुल्तान का 210 है। लोएस्ट स्कोर की बात करें तो पेशावर जालमी का 154 है तो मुल्तान सुल्तान का 101 है। तो ये नए दोनों टीमों का टीम कंपेरिजन। अगर इसके अकॉर्डिंग बात करें तो यहाँ पे लगभग दोनों का इक्वल परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है, बट यहाँ पे पेशावर जालमी थोड़ी सी आगे चल रही है। पढ़ते हैं चलते हैं वेदर की ओर। आज के मैच में वेदर कैसी रहेगी तो मोस्टली क्लाउडी रहेगी, 18.9 डिग्री सेल्सियस देखने को मिल सकती है। वहीं अगर ह्यूमिडिटी की बात करें तो 86% रहेंगी, वहीं 0% वर्षा होने की चांसेस रहेगी। तो ये रहे आज के मैच के वेदर की रिपोर्ट। अब आगे पढ़ते हैं चलते हैं पिच की ओर। आज का मैच इस पिच पे कैसा होने वाला है, इस पिच पे अभी तक टोटल 7 मैच खेले गए जो 7 मैच काफ़ी ज़बरदस्त हुई है। अगर इस पिच की फर्स्ट बैटिंग का स्कोर की बात करें तो इस पिच पे फर्स्ट इनिंग में 199 रन लगने की संभावना है। वहीं अगर सेकेंड इनिंग की बात करें तो सेकेंड इनिंग में 193 रन लग सकती है। इस पिच की अगर सरफेस की बात करें तो यहाँ पे डिफेंड करने वाली टीम को ज़्यादा सपोर्ट मिल सकती है, वहीं चेस करने वाली टीम को यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है क्योंकि डिफेंड में भी काफ़ी अच्छे रन स्कोर बनाए जा सकते हैं। बट डिफेंड वाली टीम के अकॉर्डिंग जो भी टीम अगर अपोजिट में रहेगी, अगर वो टीम स्ट्रांग रहेगी तो यहाँ पे मैच भी चेस कर सकती है। क्योंकि अभी तक टोटल 7 मैच देखे हैं तो 7 मैच में पूरी एनालाइज की जाए तो यहाँ पे कुछ मैच डिफेंड में भी विन हुई है और कुछ मैच चेस में भी विन हुई है। तो यहाँ पे इस पिच पे मैच काफ़ी जैकपॉट मिनी जैकपॉट दोनों हो रही है, तो मैच काफ़ी इंटरेस्टिंग देखने को मिल रहा है इस पिच पे। अब आगे बात करते हैं दोनों टीमों का टीम परफॉर्मेंस चेक करते हैं। तो पहली टीम पेशावर जालमी की बात करें तो नो डाउट काफ़ी अच्छी टीम है, बैटिंग लाइनअप और बॉलिंग लाइनअप दोनों का कॉम्बिनेशन ज़बरदस्त देखने को मिल रहा है। अगर वहीं पॉइंट टेबल की बात करें तो पॉइंट टेबल में 4th नंबर पर स्टेबल है, प्लस यहाँ स्कोर की बात करें तो माइनस स्कोर में चल रही है। वहीं दूसरी टीम मुल्तान सुल्तान की बात करें नो डाउट काफ़ी ज़बरदस्त टीम है, बैटिंग लाइनअप और बॉलिंग लाइनअप दोनों का कॉम्बिनेशन ज़बरदस्त देखने को मिल सकता है। अगर पॉइंट टेबल की बात करें तो पॉइंट टेबल में 3rd नंबर पर स्टेबल है और प्लस के रन रेट से आगे चल रही है। टीम स्ट्रांग है, दोनों के बीच में मैच भी काफ़ी इंटरेस्टिंग हो सकती है, तो आप लोग जोर देखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, एक्सपेक्टेड है कि विकेट बॉलर्स के फेवर में रहेंगे, वहीं बैटर्स स्ट्रगल करेंगे वेरिएबल पॉन्स पे। अब चलते फिर दोनों टीमों की की प्लेयर्स की बात करते हैं। तो पहली टीम पेशावर जालमी के की प्लेयर की बात करें तो बाबर आजम, सैम अयूब, वहाब रियाज, मोहम्मद हैरिस। वहीं दूसरी टीम मुल्तान सुल्तान के की प्लेयर की बात करें तो मोहम्मद रिजवान, खुशदेल शाह, अकील हुसैन, डेविड मिलर, ये रहे दो टीमों की प्लेयर जो आज के मैच में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा देर ना करते हुए चलते हैं विनर की ओर। देखा जाए तो स्टैटिक्स को मद्देनजर रखते हुए मुल्तान सुल्तान हमारे हिसाब से स्ट्रॉन्ग टीम है और मैच जीतने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रखता है। तो आप लोगों को क्या लगता है अपने व्यू को कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिएगा, और जाने से पहले दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।